हाय फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो फिर से मैं एक नया जॉब लेके आया हूँ। तो आज का जो जॉब है वो वेस्ट बंगाल का CSC का जॉब है, मतलब वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन का जॉब है। तो इस जॉब का पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस चैनल में नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितने सारे नया जॉब की नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, आज का जो जॉब है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन का जॉब है। और टोटल जो वैकेंसीज है 92 वैकेंसीज है, और जॉब जो लोकेशन होगा वेस्ट बंगाल में होगा। और जॉब जो नेम है, मतलब जो पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का है, और मैनेजर पोस्ट है और अदर्स पोस्ट है। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका, आप फ्रेशर्स हो तो अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है 18 से 40, मतलब 18 से 40 ईयर्स से अंदर है तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। और एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, और अदर्स कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स। यहाँ पर देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटिन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 650 रुपीज़ देना पड़ेगा, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप एक सर्विस मैन के लिए 250 रुपीज़ देना है। और आप इस पेमेंट को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो आप पेमेंट है नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और ई चालान भी पे आउट कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग में जाकर चालान भी डाल सकते हैं। और सैलरी जो है यहाँ पे देखिए 21,859 रुपीज़ से 58,482 रुपीज़ पर मंथ सैलरी आपको मिलेगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, आप डिप्लोमा कैटेगरी, कोई भी डिप्लोमा कैटेगरी हो, आप डिग्री कैटेगरी हो, और पोस्ट ग्रेजुएट आप कम्प्लीट किया हुआ हो तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। और इसका जो लास्ट डेट है आपका 20 तारीख को, मतलब नवंबर का 20 तारीख को आप एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और एप्लीकेशन जो प्रोसेस है टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है। कैसे अप्लाई करेंगे मैं इस वीडियो को नीचे में दिखाऊंगा, मैं अंत में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन कैसे करेंगे पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ, आप पहले इसको चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो मैं यही कहूँगा कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो डाउनलोड बटन है, उस डाउनलोड बटन में क्लिक करिए और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन पहले आपको इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो इस एप्लीकेशन पहले से निकलने आया है तो इसको एक्सटेंड किया गया है, तो एक्सटेंड का ये जो फॉर्मेट है, एक्सटेंड का जो डेट है, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आप उसके भी चेक कर लीजिए। और उसके बाद देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर ऑप्शन है, इस क्लिक हेयर में क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन, नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस नया विंडो में जाकर आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में आप जाइए, और रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑप्शन है, अप्लाई कर दीजिए। और आप पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, और यहाँ पे कैप्चर कोड जो है यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। तो यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं, और आपका डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो अप्लाई में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस में आपको क्लिक करना है। प्रोसेस में क्लिक करने से पहले यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, कौन सा क्या क्या चीज़ चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस के बाद देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जाना है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। आप इस स्टेप को फॉलो कर दीजिए और पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। तो सॉरी, यहाँ पे एक चेक बटन है, इस चेक बटन को क्लिक कर दीजिए, उसके बाद प्रोसेस कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए पूरा आपका फॉर्म सामने आ जाएगा। तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, और फिलअप करने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर डालना है, तो उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो आई होप इस पूरा डिटेल्स को आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। और कितने स्टूडेंट अप्लाई किया हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं जरूर। और इसी तरीके से मैं नया से नया जॉब लेके आऊँगा, तब तक के लिए इस चैनल में रहिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।